नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल में 4 जून को ब्राह्मण समाज का महाकुंभ होगा। इसमें प्रदेश भर से 5,00,000 समाज जन जुटने का दावा किया है। बता दें कि समाज के ब्राह्मण आयोग के गठन समेत कुल 11 मांगे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज का यह बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। हालांकि समाज इसे गैर राजनीतिक बता रहा है। महाकुंभ को लेकर समाज के पदाधिकारियों ने अपनी रूपरेखा बताई और मीटिंग की। वहीं अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि महाकुंभ पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों भी समाज के व्यक्ति के तौर पर ही मौजूद रहेंगे। महाकुंभ को लेकर महिला विंग समाज के हर घर जाकर परिवारों को पीले चावल देकर आमंत्रित करेगी। वहीं युवा मोर्चा हर शहर में रैली निकालेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाज जन महाकुंभ में शामिल हो सके। भोपाल से केकेआर न्यूज के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, कार्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत अभी तक मध्य प्रदेश में अपने इतने बड़े लेवल पर हमने अपनी शक्ति और व्यवस्था के साथ साथ अपनी एकता, समरसता और समाज के प्रति समर्पण का कभी भी इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। हमारे सकारात्मक प्रयास सिर्फ समाज हित में किसी भी प्रकार का व्यवस्था और सुविधा का संतुलन समाजों के बीच में ना बिगड़े, इस उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा है। कितने लोग आएंगे? संभावित तरीके से जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, हमारी अपेक्षा लगभग 5,00,000 ब्राह्मण बंधु बांधव और मातृशक्ति की अपेक्षा हम करते हैं। और हमारी जो अपेक्षा है, अभी तक हम लोगों के जो तथ्यात्मक परिणाम और जो हमारे जवाब आ रहे हैं उसके आधार पर आधारित है। क्या कुछ मांगे रहेंगी इसमें और कौन कौन बड़े चेहरे भाग लेंगे? देखिए, जहाँ तक बड़े चेहरे वाली बात होती है, हम स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में और उनके आतिथ्य में एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। जब ब्राह्मण वर्ग की बात आती है तो सभी ब्राह्मण समानता के अधिकार से हैं। समाज और राजनीति के जो स्थापित और क्षत्र हैं और चेहरे हैं और साधु संत हैं, उनमें से लगभग हमने किसी को भी आमंत्रण देने से हम चूके नहीं हैं, भूल नहीं किए। हम उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मणत्व के नाते हमारे सभी विश्वसनीय जो हमारा प्रयास रहा है, उस विश्वसनीय प्रयास को कारगर तरीके से सभी हमारे प्रबुद्ध जन और राजनेता लोग अटेंड करने जरूर आएंगे, ये हमारी अपेक्षा है। सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तब आपका क्या आगे प्रतिक्रिया रहेगी? आगे देखिए, सरकार के सकारात्मक रवैये के लिए हमने सकारात्मक प्रयास ही किए हैं। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मांगती है तो निश्चित तौर पर संघर्ष की जो स्थिति बनेगी उसके लिए कार्य योजना इस कार्यक्रम के बाद बनेगी। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि विधि विधान और विधान के दायरे में, वैधानिक दायरे में, कानून के दायरे में यदि हमें अपने कार्यक्रम के लिए बाहें चढ़ाना पड़ी तो हम बाहें चढ़ाने में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं करेंगे, लेकिन दायरा हमारा कानून के अंतर्गत कानूनी सीमा में ही रहेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबर की जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।